दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय प्रियदर्शनी स्कूल पट्टी पालमपुर। चार जून 2015 को मणिपुर में आतंकियों से कड़ा मुकाबला करते हुए शहीद हुए जिला कांगड़ा स्थित गरली के निकटवर्ती गांव मुही से लांस नायक हवलदार रजनीश सिंह के परिवार को 4 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद भी आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। शहीद हवलदार रजनीश सिंह की पत्नी समिता देवी व मास्टर होशियार सिंह का कहना है कि आज तक सरकार ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं, जिस कारण सरकार की झूठी घोषणाओं से नाराज परिजनों ने अब आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान न करने का मन बनाया है। यासिन जी, आप रजनीश जो मुही से शहीद हो 4 साल पहले, आप उनके ससुर हैं, तो आप बताएंगे हमें कि उनको आज तक क्या सरकारी सुविधाएँ मिल पाई या नहीं मिल पाई परिवार को? देखो जी, MP अनुराग ठाकुर जी प्राउ प्राए हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके मुही रोड जो है वो शहीद रजनीश के नाम पर रखा जाएगा और इसका एक स्टैचू भी बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 2 लाख की घोषणा की, लेकिन आज तक इसकी और कोई ध्यान या ना इसका कोई शहीदी दिशा आया या ना कुछ, इससे जो तराजी है अभी। तो शास्त्र जी, 4 साल हो गए, कभी शहीदी दिवस नहीं मनाया इनका? कोई नहीं, 4 साल बीत गए हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो अब आप क्या चाहेंगे? हम चाहते हैं कि इसका इस रोड का शहीदी द्वार के नाम रखा जाए और स्टैचू वास्ते जो सांझे 2 लाख रुपया देने की घोषणा की थी उसे हमें दे दिया जाए या बनवा दिया जाए। आपने छानबीन की पैसा जो आया था वो कहाँ गया, कैसे आपने इस बारे कोई छानबीन पूछा किसी जो? हाँ, हमने 2-3 बजे तो अखबार में दिव्य हिमाचल में निकाला है कि हमें इसके बारे में कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा, लेकिन इसका कोई बात नहीं। एप्लीकेशन में दी थी मैं। किसको दी थी एप्लीकेशन आपने? हैं, किसको दी थी एप्लीकेशन आपने? एप्लीकेशन दी थी बिक्रम के पास, जो हमारे दो मंत्री हैं। हाँ, और ये धूमल जी ने भी नक्की में आए हुए थे, तो उन्हें बोले हम कर देंगे, कहने पता नहीं कहाँ क्या तक कुछ नहीं किया गया। फिर कितना टाइम हो गया भला इस बात को? 4 साल हो गए हैं उनको खत्म हुए। नहीं, जो घोषणा हुई थी बता रहे हैं आप, तो उसको कितना टाइम हो गया घोषणा हुई? उसे 3.5 साल हुई है, पैसा नहीं मिलता। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए गरली से रक्षपाल शर्मा की रिपोर्ट। मैं नीतू दमीर कांगड़ा जिला से, आप सभी कांगड़ा वासियों को विनती करती हूं कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और आपने अपना मत का जो हमारा मतदान होगा 19 मई को उसका बहुत सही तरीके से उपयोग करना है। हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी को द्वारा बनाने का पूरा हमारा जो वो अभियान चला है उसको आपने सफल बनाना है और सही मत का प्रयोग करना है। मेरी यही कांगड़ा जिला वासियों से विनती है और निवेदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर, जहां बच्चों को मिलेगा बेहतरीन कल, शानदार कैंपस, अनुभवी और गुणी अध्यापक, बेहतरीन क्लासरूम के साथ 25 साल का अटूट विश्वास। यहां से निकले छात्र सेना, स्वास्थ्य और निजी कंपनी में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। 100% रिजल्ट और बोर्ड परीक्षाओं में हर बार मेरिट में स्थान। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए सुनहरे कल का सपना देख रहे हैं तो देर किस बात की, चले आइए प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी में। इसके अलावा SOS का प्रवेश भी आरम्भ हो गया है, तो आज ही पंजीकरण करवाएं। हमारा स्टडी सेंटर नंबर है 424, ऑड सेंटर कोड है 2315।